आज का टॉपिक है हेलियोफाइट्स, क्यूवाइट्स एंड वर्निलाइजेशन। प्रकाश प्रिय छाया प्रिय पौधे एंड बसंतीकरण वर्निलाइजेशन। बात करते हैं हेलियोफाइट्स प्लांट्स की। फोटोफिलस या हेलियोफिलस हेलियोफिलस प्रकाश प्रिय पौधे, प्रकाश प्रिय पौधे। इन पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए अत्यधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात हेलोपाइट्स कहलाते हैं। जैसे सनफ्लावर, इन पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए अत्यधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। अर्थात हेलोफाइट कहलाते हैं। हेलियोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे सनफ्लावर, 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 सनफ्लावर को इसकी ग्रोथ के लिए अत्यधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं सेकंड स्क्यूफाइट की। स्क्यूफाइलस या हेलियोफोबस, छाया प्रिय पौधे, ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां छाया अधिक होती है। ये पौधे छायादार छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, अर्थात स्क्यूफाइट्स स्क्यूफाइट्स कहलाते हैं। जैसे एबीस, टेक्सास एबीज, टेक्सास पाइसिया, प्रकाश प्रिय पौधे और छाया प्रिय पौधे। प्रकाश प्रिय पौधों को प्रकाश अत्यधिक प्रिय होता है और छाया प्रिय पौधों को अत्यधिक छाया प्रिय होती है, इसलिए ये छायादार स्थानों पर उगते हैं और ये अत्यधिक प्रकाश में उगते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश प्रिय व छाया प्रिय पौधों में अंतर की।
हेलियोफाइट्स, स्कियोफाइट्स, प्रकाश प्रिय पौधे, छाया प्रिय पौधे। पहला अंतर इसका, पहला अंतर इनमें शुष्कता व ताप अधिक सहनीय। ताप अधिक सहने में समर्थ। हेलियोफाइट्स अत्यधिक शुष्कता व तापमान को सहने की इनमें क्षमता होती है और इनमें अत्यधिक अत्यधिक शुष्कता व ताप असहनीय असहनीय। ये अधिक तापमान को और अधिक शुष्कता को सहन नहीं कर सकते हैं। दूसरा अंतर है इनमें, इनका शुष्क भार अधिक होता है और इनका शुष्क भार कम होता है। शुष्क भार अधिक होता है और इनका शुष्क भार अपेक्षाकृत कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड अंतर की, तीसरे अंतर की। तने मोटे एवं सुविकसित कास्ट पाई जाती है। सुविकसित कास्ट पाई जाती है इनमें, सुविकसित कास्ट पाई जाती है और इन तने पतले व सुविकसित जाइलम युक्त जो कास्ट होती है, जाइलम युक्त होती है और सुविकसित इसमें भी होती है। अब बात करते हैं इसके फोर्थ डिफरेंस की। इनमें फूल व फल अत्यधिक फूल लगने की तीव्र शक्ति पाई जाती है। और इनमें फूल व फल लगने की तीव्र शक्ति नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके पांचवें अंतर की। इनमें पर्व छोटे तथा पर्व संधियां पास
व्यवस्थित। आसपास व्यवस्थित और इनमें पैरुल बड़े व पैरु संधियां पास 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 व्यवस्थित। पास पास व्यवस्थित। छठा अंतरण में पांच अंतर हो गए इसके। शुष्कता व ताप अधिक सहने में समर्थ है हेलियोफाइट्स और ये कम अर्थात अत्यधिक शुष्कता व ताप असहनीय, ये सहन नहीं कर सकते हैं। शुष्क वायु इनका अधिक होता है और शुष्क वायु इनका अपेक्षाकृत कम होता है। तना मोटा व सुविकसित काष्ठ पाई जाती है। तने पतले व सुविकसित जालम युक्त। फूल और फल लगने की तीव्र शक्ति इनमें पाई जाती है और इनमें धीरे लगते हैं, कम पाई जाती है, सॉरी तीव्र शक्ति नहीं पाई जाती है। और पर छोटे पर संधियां पास पास व्यवस्थित और पर बड़े पर संधियां पास पास व्यवस्थित रहती है। अब बात करते हैं इनमें छठे अंतर की। लीव्स व तने पर, लीव्स व तने पर हेयर्स पाए जाते हैं, हेयर्स अधिक पाए जाते हैं। लीव्स व स्टेम पर रोम हेयर्स, हेयर्स अधिक पाए जाते हैं। अब इनकी बात करते हैं स्क्योफाइट्स की। इनमें लीव्स व स्टेम पर हेयर्स अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, आगे अंतर की। अगला अंतर इसका जो पुष्पन की क्रिया होती है, पुष्पन की क्रिया इनमें जल्दी होती है और उनमें पुष्पन की क्रिया देर से होती है। पुष्पन की क्रिया जल्दी होती है इनमें और इनमें पुष्पन की क्रिया देर से होती है, देर से होती है इनमें पुष्पन की क्रिया देर से होती है। अब बात करते हैं अगले अंतर की। जड़ें गहरी, इनमें जड़ें गहरी लंबी व अधिक संख्या में होती है। अधिक संख्या में होती है इनमें जड़ें हेलियोफाइट्स प्लांट्स की जड़ें गहरी लंबी व संख्या में अधिक होती है और इनमें स्क्यूफाइट्स में छाया प्रिय पौधों की जड़ें छोटी कम गहरी होती है तथा छोटी व कम संख्या में होती है। जड़ें कम गहरी
छोटी तथा संख्या में कम होती है, संख्या में कम होती है। अब बात करते हैं अगले अंतर की। पुष्पिन में जल्दी, पुष्पन की किरण में जल्दी होती है, ये पढ़ लिया अपन ने, जड़े लंबी होती है। अब बात करते हैं आगे की, इनमें सी एन रेशियो अधिक होता है, सी एन रेशियो अधिक होता है, और इसमें सी एन रेशियो सी एन रेशियो कम होता है, कम होता है। अगले अंतर की बात करते हैं, सेल शेप, इसका सेल शेप, हेलियोफाइट्स का सेल शेप अधिक अम्लीय होता है और स्क्यूफाइट्स का सेल शेप कम अम्लीय होता है। सेल शेप अधिक अम्लीय होता है। इनका सेल शेप कम अम्लीय होता है, कम अम्लीय कम अम्लीय होता है। अगले अंतर की बात करते हैं, इनमें पहले सेट टिश्यू, पहले सैड टिश्यू अधिक तथा पहले सैड टिश्यू अधिक तथा खंभुतक अंतराकोशी की अवकाश, अंतरा इनमें पहले सैड टिश्यू अधिक तथा अंतराकोशिकीय अवकाश कम पाए जाते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश कम पाए जाते हैं। अब इनकी बात करते हैं स्क्योफाइट्स की, इनमें स्पॉन्जी टिश्यू अधिक पाया जाता है तथा दीर्घ अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं, दीर्घ अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, दीर्घ अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, जैसे अब इसमें हेलियांथस, हेलियांथस और इसका एग्जांपल है जैसे हेलियांथस और इसमें टेक्सास। अब अगला टॉपिक है वर्नियर एडिशन, बसंतीकरण क्या है, बसंतीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर एडिशन,
बसंतीकरण, बसंतीकरण क्या है? अनेक पादप ऐसे होते हैं जिनमें पुष्पन शीत ऋतु आने पर ही होता है। ऐसे पादप जिनमें पुष्पन फ्लॉवरिंग, पुष्पन की क्रिया शीत ऋतु आने पर ही होती है, अर्थात उचित निम्न तापक्रम के प्रभाव में पुष्पन के लिए उत्तेजना मिलने पर ही पुष्पन होता है। पुष्पन की क्रिया या पुष्पन होता है। यह क्रिया वर्निलाइजेशन कहलाती है। कहने का मतलब है शीत ऋतु आने पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर पुष्पन की क्रिया शीत ऋतु आने पर ही होती है, शीत ऋतु के द्वारा ही उनमें पुष्पन की क्रिया होती है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वर्निलाइजेशन, आर्थिक महत्व के बसंतीकृत बीजों को शुष्क अवस्था में अधिक समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। आर्थिक महत्व के बीजों को शुष्क अवस्था में अधिक समय तक संचित करके रखा जा सकता है। आर्थिक महत्व के पादपों को प्रयोगशाला में 0°C तापमान पर रखकर उन्हें समय से पहले भी अंकुरण व पुष्पन की क्रिया उनमें की जा सकती है। आर्थिक महत्व के बीजों को
या पादपों को प्रयोगशाला में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कुछ समय तक रखकर उनमें बसंतीकरण के प्रभाव को समाप्त करके समय से पूर्व अंकुरण एवं पुष्पन किया जा सकता है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ वाइनलाइजेशन, आर्थिक महत्व की बीजों को शुष्क अवस्था में अधिक समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। फिर बात करते हैं आर्थिक महत्व के पादप हैं उनको प्रयोगशाला में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखकर उनमें बसंतीकरण के प्रभाव को समाप्त करके समय से पूर्व अंकुरण में उनमें पुष्पन की क्रिया की जा सकती है। अब जैसे आर्थिक महत्व के पादप जो शीत ऋतु में बोए जाते हैं, जैसे रेडिश हो गई है, प्याज हो गया है, ब्रैसिका हो गई इत्यादि आर्थिक महत्व के पादपों को शीत ऋतु आने से पहले ही इनकी बुआई की जाती है, तो ये वार्षिक पादप के समान प्रोडक्शन करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बसंतीकरण प्लांट के जीवन काल को वृद्धि काल को कम करके उनमें पुष्पन की क्रिया को निरंतर करती है। अब अगला टॉपिक है डी वर्नलाइजेशन अबसंतीकरण। बसंतीकरण क्या है? वर्नलाइजेशन का विपरीत प्रभाव डीवर्नलाइजेशन कहलाता है। अब बात करते हैं बसंतीकृत बीजों को वर्नलाइज्ड सीड को 35 डिग्री सेल्सियस पर
गर्म करके या तापमान पर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है तो रखा जाता है तो बसंतीकरण तो उनमें बसंतीकरण बसंतीकरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। डीवनिलाइजेशन क्या है? वनिलाइजेशन का विपरीत प्रभाव डीवनिलाइजेशन कहलाता है। वनिलाइज्ड सीड को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है तो उनमें बसंतीकृत या बसंतीकरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा उनमें अंकुरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार डीवनिलाइजेशन अब बसंतीकरण हो चुका है। डीवनिलाइजेशन का मतलब है कि बसंतीकृत बीजों को जब 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है तो जो बसंतीकृत सीड थे उनके अंदर बसंतीकरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा उनमें अबसंतीकरण का गुण आ जाता है और उनमें अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।